कान आए। जब अजराइल बफनी तब ते कारे बगाए। हवाल मलूम करदन पाक अल्लाह, भुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। संगत जी मैं हुक्मनामा पढ़िया, आप जी ने सुनिया, कोई समझ आई है जी? हुण संगत कंफ्यूज आ कि हाँ करिए कि ना करिए। नहीं आई ना जी? नहीं आई। एक बारी सारे प्यार ना कहो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आवाज नहीं आई जी? धन धन श्री गुरु तुसी कहोगे ज्ञानी जी, समझ तो कोई आई नहीं, तो तुसी कहंदे हो कहो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हाँ जी, इहदे विच वी रमज आ जी। रमज की आ, सुनो, जिस बादशाह नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी समझाउणा चाहुंदे आ उहनूं फारसी आउंदी आ, ते हुक्मनामा कीहड़ी भाषा च आया? फारसी दे विच। किड्डी वड्डी गल आ जी। कदी विचार कीती आपां इहदे ते कि जदों आपां सतगुरु दी ताबिया बैठदे आ, हुक्मनामा लैंदे आ, उस हुक्मनामे ने साडी अगवाई करनी हुंदी आ। हुण नामा ही उह दित्ता जिहड़ा फारसी भाषा विच आ। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने लिया, मैं थोड़ी जी व्याख्या करां तां कि समझ आवे। हुक्मनामा आया तिलंग महला पंजवां, खाक नूर करदं। खाक किहनूं कहिंदे? मिट्टी नूं। नूर किहनूं कहिंदे? प्रकाश नूं। परमात्मा ने की किया? खाक दे विच, मिट्टी विच अपना नूर पाया, जोत पाई, प्रकाश कर दिता। खाक नूर करदं आलम दुनिया ए, आलम बना दिता, संसार बना दिता, ये दुनिया बना दिती। आसमान जमीन दरख्त, आसमान ऐ जमीन ऐ दरख्त। आब पैदाइश खुदाए, आब कहिंदे पाणी नूं। किहदी पैदाइश ने? खुदा दी। बंदे चशम दीदंग फनाए, बंदे जो तू अपने दीदियां नाल वेखदा, अखां नाल वेखदा, इन्हें फना हो जाना, इन्हें नास हो जाना। रोज सुनदे आ जी कूड राजा, की पढ़दे आ जी? कूड राजा, कूड़ परजा, कूड सब, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन, ये झूठ हा। बंदे चशम दीदंग फनाए, दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए। फिर भी दुनिया मुरदार खाई जाती है। मुरदार की है? पराया हक खाई जाती है। जदों बाबा नानक जी कह गए हक पराया नानका उस गुर उस गाए, पता है आपां नहीं रहना, पता है सब कुछ झूठ है, फिर भी हेरा फेरी रिश्वत पराया हक खाई जाती है। जदों अकबर ने सुनिया, काजियां नूं कहिंदा, मुलाणियां नूं कहिंदा, बादशाह कहिंदा तुसीं झूठ बोलदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सच दा पैगाम दिंदी आ, ऐ काजियो ऐ मुलाणियो तुसीं झूठ बोलदे हो। काजियां मुलाणियां अकबर दे सामने शिकायत कीती सी कि बादशाह है मुसलमान, साडी शिकायत ते ये करेगा कि महाराज दे सरूप ते बैन ला देगा कि इहदा प्रकाश नहीं हो सकदा। पर कम हो गया उल्ट, इह ते बन गया श्रद्धालू। इह ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं कहिंदा कि सच दा पैगाम दिंदी है। साध संगत सुनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी केवल सच का पैगाम देंदी है। जदों आपां 2004 के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का 400 साल मनाया, वक् वक् धर्मां दे मुखी आए ने बोलन लई अमृतसर साहब हरिमंदर साहब, उदों 30 लख तों वधेरे खालसा अमृतसर दे विच पहुंचिया सी। 30 लख तों वधेरे
कोई होटल नहीं सी रह गया, कोई स्कूल नहीं सी रह गया, कोई कॉलेज नहीं रह गया, लोगों ने घर खोल दिते कि आओ जी आया नूं। एक इस्लाम धर्म वालों बोलन वास्ते आए सन मौलाना जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी बारे दो शब्द बोले। पहला बोलिया जी कि दुनिया हाली सियाणी नहीं हुई। की बोलिया जी? दुनिया हाली सियाणी नहीं हुई। दूजा शब्द बोलिया, जदों दुनिया सियाणी होवेगी, दुनिया का केवल एक ग्रंथ होवेगा, वो केड़ा जी? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। जदों दुनिया सियाणी होई, दुनिया का केवल एक ग्रंथ होवेगा। साध संगत, ये बचन उन्हां नूं क्यों करने पै? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू प्रेम का पाठ पढ़ाउंदे आ, साडे विच नफरत नहीं फैलाउंदे, सगों समुची मानवता नूं इक करदे आ जदों ये सिक्ख्या देंदे आ। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते, सब जग उपजे आ कौन भले। जदों ये सिक्ख्या देंदे ने कि गुरा एक देह बुझाई सबना जिया सो मैं, कदी कदी हुक्मनामा आ जाता एक पिता एक सकेहा मुबारक। काजियां नूं मलानियां नूं अकबर बादशाह कहिंदा तुसीं झूठ बोलदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सच दा पैगाम दिंदी आ। इहदी ते शुरुआत ही इत्थों हुंदी आ, सारे पढ़िओ जी, आद सच है पी सच। पहला श्लोक ही ये है। दो श्लोक ने ना जपजी साहब के अंदर, मूल मंत्र तो बाद पहला श्लोक केड़ा आउंदा? आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। विद्वान कहंदे जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे विचारां करदे आ, कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर सब कुछ है पर एक चीज नहीं आ। पुछिया विद्वानां नूं केड़ी नहीं आ? कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर झूठ नहीं हैगा जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल यह सिक्ख्या देंदे आ, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की बेला, केवल सच की बात। हुण जदों अकबर ने कहा, उस समय चंदू दुष्ट कहन लगा कि बादशाह सलामत, इन्हां सिखां ने तुहानूं खुश करन लई इह हुक्मनामा कढ के रखिया सी। किन्ने कहा जी? चंदू दुष्ट ने। भैणों सुनो, मैं की शब्द बोलिया? चंदू दुष्ट। दुष्ट क्यों बोलिया? क्योंकि चंदू वो व्यक्ति है जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का जो रिश्ता प्रवान करके गए, उसकी बेटी लई ते ये बचन कह दिते कि तुसी चबारे की इट मोरी नू लाए हो। की कहा? चबारे की इट मोरी नू लाए हो, भाव अपने आप नू चबारा कहिंदा चंदू, ते गुरु घर नू मोरी कहिंदा। संगत ने कहा, दिल्ली की संगत ने, कि सतगुरु जी चंदू हंकारी है, इहदा रिश्ता नहीं लैना। उस चंदू दुष्ट ने कहा, बादशाह सलामत, इन्हां सिखां ने तुहानू खुश करन लई हुक्मनामा कढ के रखिया सी, जे तुहाडा वचन होवे ते आपां दुबारा हुक्म लईए। साध संगत जी, 1605 ईस्वी अंदर बाबा बुढ़ा साहब जी ने दोबारा हुक्मनामा लिया। इतिहासक तौर पर तीजा हुक्मनामा। किन्नवा हुक्मनामा जी? तीसरा। बाबा बुढ़ा साहब जी बोले, सुनियो, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे,
छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए पै खाक फकीर मुसाफर एह दरवेश कबूल दरा। जे किसी ने सारा हुक्मनामा पढ़ना हो गुरु ग्रंथ साहब जी के दो अंगा ते है जी किन्नी अंगा दे दो अंगा दे काजी कौन है नमाज किवें पढ़नी आ संगत जी शरीयत की आ हुजरा की आ सलाद की आ जकात की आ जिन्नी इस्लाम की सिक्ख्या सारी हुक्मनामे दे विच मैं पढ़िया तुसीं सुनिया पर समझ नहीं ना आई जी थोड़ी व्याख्या करा। हुक्मनामा आया अल्लाह अगम खुदाई बंदे ऐ अल्लाह दे बंदे ऐ खुदा दे बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे ऐ दुनिया वाले ख्याल त्याग दे ए धंधियां नूं छड्ड दे। सौखा समझावां जी कि सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै। जदों सुनिया कि छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए पै खाक फकीर मुसाफर सारिया के चरणा की धूड़ बन जा इन्नी निम्रता धारण कर लै। होए पै खाक फकीर मुसाफर अपने आप नू मुसाफर समझ की समझ जी प्रौना समझ मुसाफर समझ तू नहीं रहना। आ अपने ते भी गल ढुकदी है जी आपां भी प्रौने आ पता नहीं 10 साल और जीना के 5 साल के हुणे ही सवास निकल जाने आ प्रौने आ ना जी। अपने आप नू मुसाफर समझ होए पै खाक फकीर मुसाफर एह दरवेश कबूल करा। इहो जिहा दरवेश अल्लाह दे दर ते कबूल हो जांदा अल्लाह नू कबूल कर लैंदा। जदों अकबर ने सुनिया अल्लाह परवतगार खुदा रहीम करीम उस समय कहन लगा चंदू दुष्ट नू कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ते सच दा पैगाम दिंदी आ इस वर्गी मिठी बाणी कित्थों लभनी आ। आ सुनियो जी परसों भी मैं बंगला साहब दिल्ली तो कथा करदियां बचन किया सी कि स्वामी राम तीर्थ जी दंडी सन्यासी होए आ। की नाम लिया जी मैं स्वामी राम तीर्थ जी दंडी सन्यासी। इन्हां दा ज़्यादा समां बतीत होया हरिद्वार। स्वामी जी ने पढ़े जी वेद सिमरतियां पुराण। जदों बजुर्ग होए तो इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं पढ़िया। पढ़न तों बाद एक किताब लिखदे आ जी। कौन लिखदे आ जी? स्वामी राम तीर्थ जी दंडी सन्यासी। आ किताब का नाम नोट करियो ते जदों हुण तुसीं दरबार साहिब गए तो लै के आयो। इहदी कोई भेटा नहीं आ फ्री वंडदी आ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तां कि संगत नूं पता लगे कि जिहड़े बाहर दे विद्वान ने वह गुरु ग्रंथ साहिब बारे की सोचते आ। किताब का नाम है जी सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ। इहदा मतलब है सब नालों श्रोमणी गुरु केड़ा ग्रंथ है जी? सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब नालों श्रोमणी आ। लिखते कौन ने? स्वामी राम तीर्थ जी दंडी सन्यासी। लिखते आ मैं सारी उम्र खाक शानदार रहा। की शानदार रहा जी? मिट्टी शानदार रहा। असली तत्व वस्तु गुरु घर विच है
इस बाणी विच है, इस बाणी वर्गी मिठी बाणी मैं किधरे होर नहीं तकी। स्वामी जी कहिंदे हुण मैं बजुर्ग हो गया हाँ, इस बाणी तो लाभ नहीं उठा सकता। मेरे मन विच इको एक भावना है कि जिहड़ा मेरा अगला जन्म होवे वह गुरसिखां दे घर विच होवे, मैं भी इस बाणी तो लाभ उठा लवां। सात संगत साढ़े किड्डे चंगे भाग ने कि साडा गुरसिखां दे घर विच जन्म होया। सात संगत जदों बाबा बुढ़ा साहब जी ने हुक्मनामा लिया, अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, उस समय ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते कि एक मुंशी है, उहदा नाम है साहिब दयाल। की नाम है जी? आ गुरमुख जिहड़े पिछे बैठे सारिआं नूं सुन रहे जी, की नाम है? साहिब दयाल। अकबर दा मुंशी कहन लगा कि बादशाह सलामत मैनूं गुरमुखी आउंदी आ, मैनूं पंजाबी आउंदी आ, जे तुहाडा हुक्म होवे ते आपां फिर हुक्मनामा लईए। तन तन बाबा बुढ़ा साहब जी ने बटाले की धरती दे तीजा हुक्मनामा लिया जी, ते तीसरा हुक्मनामा ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते आया, राम कली महला पंजवां, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गोसैया कोई अल्लाहे, कारण करण करीम कृपा तार रहीम, कोई नावै तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर नवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओडा नील कोई सुपेद, कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदो, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने जदों हुक्मनामा लिया कि कोई राम राम कह लवे, कोई खुदा खुदा कह लवे, कोई रहीम कह लवे, कोई करीम कह लवे, आखिर गल ते वाहिगुरु दी हो रही है ना जी। जिवें आपां अपने पिता नूं कोई पिता जी कह लैंदा, कोई डैडी कह लैंदा, कोई पापा कह लैंदा, कोई फादर कह लैंदा, गल ते एक ही हो रही है ना जी। साडा सारिआं दा पिता एक अकाल पुरख वाहिगुरु आ, जिहदे बारे बाणी कहिंदी है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, बाणी विच कदी कदी हुक्मनामा आ जांदा, एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। असी एक पिता दी औलाद हाँ, की होया कोई हिंदू वीर बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई बोधी हो गया, कोई जैनी हो गया, असी एक पिता दी औलाद हाँ। संगत जी ये जिहड़ा संदेश उपदेश आ केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी देंदे आ, केवल मैं शब्द वरत्या केवल, क्यों? क्योंकि मुसलमान भरावां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे आ, उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं नानिवें सो सिर कप उतार। हिंदू वीरां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख्या दिंदे आ, तुहानूं सारे नूं आउंदा रल के पढ़िओ जी, सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम
आत्म मैं सोधे राम नाम सारस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हिरदे बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख मैं जाने अस्थूल चौ वरना को दे उपदेश नानक तिस पंडित को सदा देस। ते गुरसिखा नूं ते समझाउंदे ही आ गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। सा संगत जदों हुक्मनामा आया कोई बोले राम राम कोई खुदाए। उस समय अकबर बादशाह ने 51 मोहरां कढ़ियां। मैं की बोलिया जी 51 मोहरां। मोर किहदी हुंदी आ सोने दी। सोने दियां 51 मोहरां कढ़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख रख के अकबर बादशाह ने मत्था टेकिया। जदों बादशाह अकबर गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदा है फिर काजियां नूं भी मत्था टेकना पिया, मलाणियां नूं भी टेकना पिया, चंदू नूं ते पृथ्वी चंद नूं भी मत्था टेकना पिया। साध संगत 51 मोहरां सोने दियां रख के बादशाह मत्था टेकदा है। बाबा बुढ़ा साहिब ते भाई गुरदास जी नूं सुंदर वस्त्र दिते जांदे आ ते गुरु अर्जन देव जी वास्ते खिलत भेजी जांदी आ। की भेजी जांदी आ जी? खिलत भेजी जांदी आ। ओ बाबा बुढ़ा साहिब जिहदे बारे संगत जी साडे धर्म ने साडे गुरबाणी ने इतिहास ने एडा सत्कार किया कि 113 साल की अवधि गुरु घर दे विच सेवा करदिआं बतीत कर दित्ती पर कदी भी आपां नहीं जताया कि मैं सेवा करन वाला हाँ। हौमे मरी होई आ जिन्हों बाणी कहिंदे आप गवाइए तां सो पाइए और कैसी चतुराई। बाबा बुढ़ा साहिब जी का आपा भाव मरिया होया। उस महान गुरसिख नूं तुसी याद कीता, उन्हां दे नाम ते ही ये गुरु घर है बाबा बुढ़ा साहिब। करीबन COVID-19 तो पहला दास ने इत्थे हाजरी भरी सी। कोई 5-6 साल बाद फिर संगत दे दर्शन दीदार होए। मैं आप सरबत संगत नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे समुचे प्रबंध वल्लों धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी दे जन्म दिहाड़े दी लख लख वधाई दिंदा हाँ जी। गुरमत विचारां करदियां होईयां बेशुमार भुल्लां आप जी ने खिमा कर देनियां। राती भी बड़े एकाग्रता दे नाल सुनिया। हुण भी मैं वेख रहा जिन्नी संगत बैठी है सारिया ने प्यार सत्कार दे नाल सुनिया। जिवें गुरु अर्जन देव जी सानू समझाउंदे आ कि प्रभ की उफ्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। जिवें गुरु नानक साहब जी समझाउंदे आ ए मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। गुरु अमरदास जी तो सारियां संगतां दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा इत्थों दे समुचे प्रबंधकां दा खास करके वीर सरबजीत सिंह जी सरदार बलदेव सिंह जी। पहला मैं दस चुकिया हाँ दोबारा रिपीट ना करा कि किन्ना सत्कार कीता आप सारियां संगतां दा। संगत जी अंत विच मैं बेनती करनी एक कि धन धन माता गुजरी जी उन्हां दा 400 साल जन्म दिहाड़ा आ रहा है। माता गुजरी जी बारे बोलना होवे घंटियां बधी आपां बोल सकते हैं कि किवें करतारपुर तो उन्हां दी यात्रा आरंभ हुंदी है बाबा बकाला साहब फिर अमृतसर साहब फिर आनंदपुर साहब फिर पटना साहब पटना साहब तो फिर आनंदपुर साहब आनंदपुर साहब तो बाद साका सरहंद। बड़ी लंबी गाथा है उन्हां दा 400 साल जन्म दिहाड़ा जिन्हों आप शताब्दी कहने हैं। जदों 100 साल पूरी हो जाने एक शताब्दी हूँ 400 साल हो गए ने 4 शताब्दियां।
चार सदियां लंघ गईयां ने, वह दिहाड़ा आ रहा जी 22 नवंबर नूं। कदों आ रहा जी? 22 नवंबर नूं, जिथे माता जी पैदा होए, जिथे उन्हां दा जन्म होया, करतारपुर जिला जलंधर, उस धरती ते 22 नवंबर नूं इह शताब्दी मनाई जा रही है। मैं गुरु पंथ दा सेवादार होण दे नाते आप संगत नूं बेनती करांगा कि जिन्हां संगतां दे कोल समां है, ਉਹ 21 तरीक की रात का समागम, 22 तरीक नूं दिन का समागम, जिवें गोइंदवाल साहब विच रौनकां लगियां सन, इवें ही माता गुजरी जी नूं याद करदे आं, संगत जी उत्थे शताब्दी समागम हो रहे आ। जिहड़े तुहाडे विचों गुरमुख आ सकदे ने उह उत्थे पहुंचिओ, जिहड़े नहीं आ सकदे, असीं आप जी नूं अज नवें साधन आ गए ने, लिंक मिल जाती है जी, लिंक आप जी नूं शेयर कर देवांगे, घरे बैठे तुसीं सारा समागम माण सकदे हो, आनंद माता गुजरी जी दे पेका घर करतारपुर जिला जलंधर तों। 22 नवंबर नूं याद रखियो, जिहड़े आ सकदे ओह जरूर आयो जी, जिहड़े नहीं आ सकदे ओह घरां विच बैठ के जरूर सुणियो। इह आप जी दी प्रवानगी लई मैं इक जकारा गजाउण लग्गिआ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,